फिर मैंने तुम्हारे अब्बू की बाई आंख में गोली मारी। कबीर को मुझसे ज्यादा कोई नहीं पहचानता। उसका अगला कदम क्या होगा? आई अंडरस्टैंड। मौका मिला तो गोली चला देना। फिल्म में दिखेगा ब्रोमैंस। फिल्म के लिए कितनी फीस लेंगे टाइगर श्रॉफ? किन भाषाओं में रिलीज होगी ये फिल्म? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। साल 2019 में आई फिल्म वॉर में बॉलीवुड के दो एक्शन फिल्म के सुपरस्टार ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ ने साथ में काम किया था और बेफिक्रे गलवानी कपूर भी इस फिल्म में लीड रोल में नजर आई थी। वॉर फिल्म 2 अक्टूबर 2019 को रिलीज हुई थी और फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर 315 करोड़ रुपए की कमाई की थी। ये फिल्म इतनी सफल हुई और दर्शकों को इतना पसंद आई कि फिल्म के मेकर्स ने फिल्म की फ्रेंचाइजी बनाने का फैसला किया है। जिस हिसाब से वॉर फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म वॉर ने कलेक्शन किया, उस हिसाब से उम्मीद तो यही है कि वॉर 2 इससे भी ज्यादा कलेक्शन करेगी। फिल्म में टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन मेल लीड में काम करते दिखेंगे। बात करें अगर 2019 में आई फिल्म वॉर के एक्शन की फीस की, तो उस टाइम वॉर फिल्म में काम करने के लिए हॉलीवुड लुक्स के साथ बॉलीवुड में काम करने वाले ऋतिक रोशन ने इस फिल्म के लिए 48 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और टाइगर श्रॉफ ने 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज किए थे। वहीं अगर अब बात करें फिल्म वॉर 2 की, तो फिल्म में लीड रोल में नजर आने वाले दोनों एक्टर्स की फीस की, तो दोनों ने अपनी फीस बढ़ा दी है। जहां फिल्म में ऋतिक काम करने के 65 करोड़ रुपए फीस लेंगे, वहीं टाइगर फिल्म में काम करने के लिए 35 करोड़ की मोटी रकम लेंगे। फिल्म में फीमेल लीड को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। मेकर्स जल्द ही फिल्म में फीमेल लीड के तौर पर काम करने वाली एक्टर्स के नाम की अनाउंसमेंट करेंगे। साथ ही अगर बात करें फिल्म की रिलीज को लेकर, तो आपको बता दें कि ये फिल्म सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि कई और भाषाओं में रिलीज की जाएगी, जिससे कि फिल्म ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी भाषाओं में देख सके। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद फिल्म को हिंदी सहित तमिल, तेलुगु, मराठी और इंग्लिश में रिलीज करने की प्लानिंग बना रहे हैं। उनकी ये फिल्म अभी स्क्रिप्टिंग मोड पर है। स्क्रिप्टिंग पूरी होते ही मेकर्स जल्द से जल्द फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। बहरहाल ये फिल्म अगले साल यानी 2023 के अंत तक सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिल्मी दुनिया की बाकी अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज से। यहाँ हम देंगे आपको बॉलीवुड की फिल्मों की एक एक खबर। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते कीजिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्रैड स्टूडियोज को।